खबर फरुखाबाद से। औषधि विभाग की छापेमारी से दवा विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। नकली दवाओं की बिक्री और अवैध रूप से किए जा रहे दवा के भंडारण पर नकेल कसने के लिए छापेमारी की गई। फरुखाबाद शहर के कई दवा विक्रेताओं के यहां औषधि विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी करके नमूने भरे। जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडे ने बताया, छापेमारी के दौरान कई थोक दवा विक्रेताओं के यहाँ से नमूने लिए गए हैं। जांच में अगर नमूने फेल हुए तो विक्रेताओं पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। सर, जांचें चल रही हैं आजकल खाद्य विभाग के द्वारा, ड्रग्स विभाग द्वारा, किस तरीके की सर जांच है और कब तक चलेंगी, क्या है इसमें जो है? कतरे मेडिकल स्टोरों द्वारा शिकायतें प्राप्त होती हैं कि बिल वगैरह कंटिन्यूसली जारी नहीं किया जाता है और तापमान को देखते हुए औषधियों का भंडारण प्रॉपर रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, तो इसके सापेक्ष में निरीक्षण किया जा रहा है। और आज निरीक्षण में जो है शिवा मेडिकल स्टोर फतेहगढ़ का और नेहा मेडिकल स्टोर, श्री वैष्णवी भैरवी मेडिकल स्टोर और एसके फार्मास्यूटिकल्स का आज औचक निरीक्षण किया गया है, जहां से शिवा मेडिकल स्टोर से 2 नमूने भरे गए हैं और एसके फार्मास्यूटिकल्स से 2 औषधियों के नमूने भरे गए हैं, जिसे जांच है तो राजकीय प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश लखनऊ भेजा जाएगा। सर, कोई शिकायतें आई थी इसको बेस में रख के जाँचें की गई हैं या फिर एक प्रॉपर जो है जो होता है शेड्यूल होता है वो है? ये जी, तापमान को देखते हुए जन सामान्य द्वारा शिकायत किया गया था कि औषधियों का भंडारण प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा रहा है, धूप के सापेक्ष में ही औषधियों का भंडारण किया गया है, उसके सापेक्ष आज जांच किया गया है। सर, यहाँ पे एक मसैनी रोड है, बड़े पैमाने पे जो है यहाँ पे सर जो शिकायतें आती हैं लगातार कि फर्जी जो है बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पतालों, मेडिकल स्टोरों की जांचें सर जो है शिकायतें आती रहती हैं, इस पे सर कुछ कार्रवाई करनी है? अभी पिछले सप्ताह ही 2-3 मेडिकल स्टोरों की जाँच की गई है, जहाँ से नमूने वगैरह भी संकलित किए गए हैं और अभी हमारे पास ऐसा कोई संदिग्ध प्रतीत नहीं हुआ है कि जिसके पास लाइसेंस ना हो। सभी जितने हॉस्पिटल बेस्ड मेडिकल स्टोर्स हैं सभी के लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। अगर ऐसा कोई पाया जाता है जो बिना लाइसेंस से संचालित किया जा रहा है तो उसके सीजर की कार्रवाई की जाएगी और उसमें विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।